लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन तुष्टिकरण पर सियासत बंद नहीं हो रही है। अब कावड़ के दिन आने वाले हैं, ऐसे में इसे लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर का कावड़ यात्रा को लेकर दिया बयान वायरल हो रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि 10 दिन के लिए कावड़ से दिक्कत नहीं तो फिर सड़क पर 20 मिनट की नमाज से आपत्ति आखिर क्यों? दलितों की राजनीति करने वाले नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद अब हिंदू मुसलमान करने में लग गए हैं। इनका एक वीडियो वायरल हुआ तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। वीडियो 23 जून का बताया जा रहा है, जब नगीना से सांसद चंद्रशेखर नजीबाबाद के गांव चंदनपुर में एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। अचानक उन्हें कावड़ यात्रा की याद आ गई। आई तो आई, साथ में नमाज की याद भी आ गई। कह दिया कि 10 दिन कावड़ में लोगों को परेशानी होती है तो 20 मिनट की नमाज से आपत्ति क्यों है? भाई, हिंदू धर्म की आस्था का है, देश सब की धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है, 10 दिन कावड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा हो कि अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कहीं और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई प्रॉब्लम ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। चंद्रशेखर के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई। बीजेपी ने इसे चंद्रशेखर की तुष्टिकरण पॉलिटिक्स करार दिया है। पवित्र कांवड़ यात्रा को भी धार्मिक रंग देने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं ये उचित नहीं है। हजारों हजार साल की ये परंपरा है और ये निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कृत संकल्पित है। विकास की बात करो, अपवाद की बात मत करो, डेवलपमेंट की बात करो, विनाश की बात मत करो। इसके नाते जनता ने आपको चुनाव जिताया है तो आप कम से कम जनता की आवाज बन के जनता के लिए कार्य करिए, ना कि हिंदू मुसलमान करके हिंदू मुसलमान में फूट पैदा करिए और लड़ाइए। बैठक में चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम समाज को भरोसे में लेने के लिए कई वादे किए। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे उठाकर राजनीति करना आम बात हो गई है, लेकिन इसका फायदा कितना होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बिजनौर से जी मीडिया के लिए राजवीर चौधरी की रिपोर्ट।